नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अतिरिक्त मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद गैस पीड़ित संगठनों ने फैसले को झूठा बताया है। गैस पीड़ित संगठन की रचना झिंगरा ने कहा कि 34 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा न्याय यूनियन कार्बाइड कंपनी को दिया है। 34 पेज के फैसले में जजों ने कहा है कि भोपाल के गैस पीड़ितों को मोटर व्हीकल अधिनियम में जितना मुआवजा दिया जाता है उससे 6 गुना ज्यादा मुआवजा गैस पीड़ितों को मिला है। इससे ज्यादा गलत और फॉल्स जानकारी हो ही नहीं सकती। भोपाल के 1% पीड़ितों को भी 5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में जो कहा है यह पूरी तरह से गलत जानकारी है। रचना ढींगरा के इस मामले को खारिज किया है। भारत सरकार फ्रॉड साबित नहीं कर पाई थी, वह यह साबित नहीं कर पाई यूनियन कार्बाइड ने उनके साथ छल कैसे किया। हमारे वकील इस बात की दलील दे रहे थे, हजारों की संख्या में हमने दस्तावेज पेश किए। इसमें 1989 में यूनियन कार्बाइड कांड को लेकर पूरी जानकारी थी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कार्बाइड कंपनी एक भगोड़ा है और आज भी भगोड़ा है, और उस भगोड़े को हमारे न्यायाधीशों ने घंटों का समय दिया है सुनने के लिए, जबकि एक सिद्धांत है फ्यूजिटिव डिसइंटाइटलमेंट डॉक्ट्रिन। मतलब अगर आप एक भगोड़े और फरार कंपनी हो तो आपको किसी और अन्य मामले में सुना नहीं जाएगा जब तक उस मामले में आप हाजिर नहीं हो सकते हो। तो इस फैसले में हमारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सारा न्याय, सारी सिंपथी, सारी दया सिर्फ एक पार्टी के लिए है और वो है यूनियन कार्बाइड कंपनी, ना कि उन लोगों के लिए जो इस देश में सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के शिकार हुए हैं। और ना, और सारी अगर है सिंपथी तो उसके लिए जिसने इस शहर में कत्लेआम किया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गैस पीड़ितों के अतिरिक्त मुआवजे की अर्जी को खारिज किया है उससे ये पूरी तरह से साफ है कि हमारे पांचों न्यायाधीशों का झुकाव कातिल कंपनी यूनियन कार्बाइड के साथ था, जो आज भी इस देश में फरार है, और ना कि गैस पीड़ितों के साथ। इस 34 पेज के फैसले में कई बातें तो बिल्कुल झूठी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। हमारे न्यायाधीशों ने ये माना है कि गैस पीड़ितों को मोटर व्हीकल अधिनियम में जिन लोगों को मुआवजा मिलता है उसमें से 6 गुना ज़्यादा मुआवजा मिला है, जबकि सच्चाई ये है कि 1% गैस पीड़ितों को भी 6 गुना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा, हमारे न्यायाधीशों ने यह बोला है कि आज जो पर्यावरणीय हादसा भोपाल में हो रहा है, जो यूनियन कार्बाइड के आसपास की बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार है। जिस कंपनी ने प्रदूषण किया है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि हमारे देश में सिद्धांत है कि जो प्रदूषण करे वही हर्जाना भरे, और यूनियन कार्बाइड ने ये लैंड 100 साल की लीज पे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।